अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम चावलों का फेस पैक बनाएंगे, ठीक है ना? चावलों को खाते भी हैं और इसके फेस पे लगाते भी हैं, कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें जो फर्स्ट चीज़ डालूँगी वो है आटा, जो भी आप घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइट आटा या गंदम का आटा, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर गंदम का आटा ले लिया है। दूसरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी चावलों का आटा, ठीक है। एक चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है चावल का आटा। अब हम इन दोनों को दूध के साथ मिक्स बनाएंगे, इसका मिक्सचर रेडी करेंगे, ठीक है। ये हमारा फेस पैक रेडी होने वाला है। इसको मिक्स 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 करते जाएंगे तो ये फेस पैक रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, हमारा फेस पैक जो है ये बहुत अच्छा रेडी हो गया है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने अपने फेस पे, अगर आप हैंड्स पे लगाना चाहें तो हैंड्स पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपने इसको लगाने के बाद लेना है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू लेने के बाद आपने जैसे जैसे आप अपने फेस पे लगाते जाएंगे, ठीक है, इसको आपने पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपने हाथ पे लगाया है तो इसको आपने दूध में डिप करने के बाद, ठीक है, अपने ये हैंड पे रख लेना है, ठीक है। मैंने ये फेस के लिए बनाया है, ठीक है, और मैं आपको बस बता रही हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। आपने इसको फेस पे लगा लिया, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपने टिश्यू पेपर को दूध में डिप करना है, यानी कि वेट करना है दूध के साथ, फिर इसको आपने अपने फेस पे रख लेना है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ पे लगाते हैं तो हाथ पे भी लगाने के बाद आपने इसको दूध के साथ वेट करना है और अपने हाथ पे लगा रख लेना है, ठीक है। ये मेथड है और इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगी। बहुत ही अच्छी आपकी स्किन ग्लो आएगी, आपकी स्किन पर आपकी स्किन फेयर होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करता है, बिकॉज इसमें दूध भी है और चावल भी हैं, गंदम का आटा भी है। ये तीनों ही चीज़ें मिलकर बहुत अच्छी जो है ना आपको बेनिफिट्स देंगी, और जो भी आपकी स्किन पे रिंकल्स वगैरह भी फाइन लाइंस हैं वो भी ऐसा ऐसा रिड्यूस हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो इस मास्क को आपने लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और प्लीज़ प्लीज़ यार लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। लाइक करने से ही होता है कि मुझे ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं मुझे खुशी होती है, ठीक है। तो अगर आप मेरी खुशी के लिए इतना कर दें तो आपका क्या जाता है इसमें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।